हेलो डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर कॉन्सेप्ट पार्ट वन में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया था और इसके जो मेन यूनिट्स होते हैं उनके बारे में बताया था। मेन यूनिट में से हम लोगों ने इनपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट टू में हम लोग इसके बाकी के दो यूनिट मीन्स आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। सो मेमोरी यूनिट, मैंने आप लोगों को जब डिस्क्रिप्शन दिया था इनपुट यूनिट का, तब उसके पहले हम लोगों ने मेमोरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। मेमोरी यूनिट जो है, इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका वर्क क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को स्टोर करने का। तो ये जो मेमोरी होती है, जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करती है, इसे प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। आप इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और इमीडिएट एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये जो मेमोरी होती है, सो ये बहुत ज़्यादा लिमिट में डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। इसकी एक लिमिट होती है, उतने ही डेटा को ये स्टोर कर सकती है। सो एक अच्छी मेमोरी वही होती है, एक आइडियल मेमोरी वही होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर पाए और जिसमें से जब भी हम डेटा को रिट्राइव करें, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करें, तो इजीली और फास्ट वो डेटा आपका रिट्राइव हो जाए, तब वो आइडियल मेमोरी कहलाएगी। बट प्राइमरी मेमोरी जो है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि उसमें जो लिमिटेशन होती है कि वहाँ पर आप डेटा लिमिटेड अमाउंट में ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और जितने भी इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली नीडेड होते हैं उन इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करती है और रिट्राइव करती है। सो जो बाकी का डेटा है या बाकी का इन्फॉर्मेशन है जो हमको कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखना होती है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए एक और मेमोरी का यूज़ किया जाता है और वो जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है, या आप उसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इसमें आपके जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहलाते हैं। अगर हम मेन मेमोरी को कंपेयर करें सेकेंडरी मेमोरी से, तो जो मेन मेमोरी है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इसमें इतना जल्दी डेटा जो है वो ड्राइव नहीं होता है। सो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि जो मेमोरी यूनिट है वो किस तरीके से वर्क करती है और क्या होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली कंप्यूटर में टू टाइप्स की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इसके नेम से ही हम लोगों को समझ में आना चाहिए, दैट जो आउटपुट को शो करे, डिस्प्ले करे। तो यूज़र को जब रिज़ल्ट शो करना होता है, आउटपुट डिस्प्ले करना होता है, तो उसके लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो सारे आपके आउटपुट यूनिट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो इनपुट यूनिट है वो क्या करती है, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक लिंक बना देती है जिससे कि वो ईज़िली उसे इंस्ट्रक्शंस दे पाए। इसी तरीके से जो आउटपुट यूनिट है वो एक कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करती है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, क्योंकि जब भी आपका डेटा प्रोसेस होगा तो जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर ने परफॉर्म किए हैं और जो डेटा है उसको जो प्रोसेसिंग किया है अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, तो उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए आउटपुट यूनिट का यूज़ किया जाता है और आउटपुट यूनिट के थ्रू जो रिज़ल्ट होता है उसे डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आउटपुट डिस्प्ले होता है तो ऑब्वियसली वो बाइनरी लैंग्वेज में डिस्प्ले नहीं होगा, वो कौन सी लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आउटपुट यूनिट बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है हाई लेवल लैंग्वेज में एंड देन हमें इंस्ट्रक्शंस, जो भी रिजल्ट है या जो आउटपुट है उसे डिस्प्ले करती है आउटपुट यूनिट्स पे, आउटपुट डिवाइसेस पे, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर,
ये सारे क्या हैं, प्लॉटर्स, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो जो बेसिक हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, वो सारे आउटपुट डिवाइसेस के नेम आपको पता ही है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, पैरेलल प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर, ग्राफिकल आउटपुट और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट, आउटपुट और मैग्नेटिक मीडिया, प्लॉटर्स, ऑप्टिकल प्रिंटर्स। तो ये सारे होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। अब यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम और है, ये देखिए आप, ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये डिजिटल कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। तो मैं आप लोगों को चारों यूनिट समझा चुकी हूँ, कौन कौन सी होती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हमने 2 सब यूनिट्स देखे थे, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये आपकी कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट एंड ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पर आपका इनपुट यूनिट है और यहाँ पर आपका आउटपुट यूनिट है, और ये है आपकी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो कि रोम एंड रैम होती है, और यहाँ नीचे है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो कि आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर का स्टोरेज होता है और इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, इंटरनल प्रोसेसिंग, यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू डिस्प्ले किया हुआ है। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है कंप्यूटर और इसके ऑपरेशंस देखेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है और किस तरीके से ये ऑपरेशंस को यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। थैंक यू।